नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वॉल मिक्सर के बारे में। वॉल मिक्सर कैसे काम करता है, कौन सा हॉट है, कौन सा कोल्ड है, कौन से शॉवर में जाएगा, उसके बारे में मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों ध्यान से देखना, अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मैं आपको बताता हूँ वॉल मिक्सर के बारे में कैसे काम करेगा, देखते रहना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये वॉल मिक्सर है 2-in-1, इसको 2-in-1 वॉल मिक्सर बोलते हैं, इसको 2-in-1 वॉल मिक्सर बोलते हैं। देख लो, इसमें 1-2 मिला के एक वन होता है ना, उसको 2-in-1 मिक्सर बोलते हैं। इसमें 3-in-1 भी आता है और 2-in-1 आता है, दो टाइप के मिक्सर आते हैं। आपको मैं बताऊंगा, ये इधर का ये कनेक्शन आएगा ना अंदर से, जो ये रहेगा हॉट गर्म पानी का, जो गीजर से पानी आएगा ये हॉट का रहेगा, और ये कनेक्शन आएगा ये कोल्ड का आएगा, ठंडा पानी का। ये हॉट का हुआ, ये कोल्ड का हुआ। अभी ये अपने को हॉट चालू किया है तो इस पाउट से अपने को हॉट गर्म पानी मिलेगा अपने को, और इसको बंद किया और इसको चालू किया तो अपने को कोल्ड पानी मिलेगा, ये कोल्ड का है। और अपने को दोनों मिक्स में चाहिए तो ये आधा खोलने का और ये भी आधा खोलने का, दोनों मिक्स में आएगा पानी, हॉट एंड कोल्ड। अब हम आपको बताएंगे इस पाउट शॉवर में पानी कैसे जाएगा। ये रहता है शॉवर और स्पाउट यूज करने का बटन, ये नॉब है ना, स्पाउट और शॉवर का यूज कैसे होता है उसके बारे में रहता है। अपने को स्पाउट में पानी चाहिए हॉट एंड कोल्ड, तो ये स्पाउट में ऐसा करने का, दोनों मिक्स पानी चाहिए हॉट खोला कोल्ड खोला, दोनों मिक्स पानी स्पाउट में आएगा। और अपने को शॉवर में चाहिए ऊपर सीलिंग शॉवर में, ये इधर से शॉवर में पानी जाएगा, सीलिंग शॉवर ऊपर रहेगा ना, इसमें सीलिंग शॉवर में पानी जाएगा ये, तो अपने को ये स्पाउट की शॉवर की तरफ इसको नॉब को घुमा देने का है। शॉवर की तरफ घुमा देंगे तो अपने को शॉवर में पानी मिलेगा ऊपर, हॉट एंड कोल्ड दोनों मिक्स इसमें आएगा। अपने को इसमें शॉवर में कोल्ड पानी चाहिए तो हॉट बंद कर देने का तो कोल्ड ही पानी जाएगा, और अपने को हॉट चाहिए तो कोल्ड बंद कर देने का तो हॉट ही जाएगा खाली। और इसके ऊपर लिखा भी है दोस्तों, इस पाउट में किधर घुमाना, इधर घुमाएंगे तो इस पाउट में होएगा, ये इस पाउट में हो गया, और इधर घुमाएंगे तो ये शॉवर में जाएगा, लिखा हुआ भी रहता है दोस्तों इसके ऊपर। ये मिक्सर के बारे में आपको, ये 2-in-1 मिक्सर है, देखो 1-2 मिला के 1 हुआ और 2-in-1 मिक्सर हो गया। और इसमें 3-in-1 मिक्सर आता है, जो 1-2 और इधर एक पॉइंट रहेगा हैंड शॉवर के लिए नीचे, जैसे कि ये देखो मिक्सर, ये मिक्सर में हैंड शॉवर के लिए नीचे पॉइंट दिया हुआ है, ये देखो बटन उठाएंगे तो हैंड शॉवर स्टार्ट होएगा, ये 3-in-1 मिक्सर है, ये 1-2 और ये 3-in-1 मिक्सर है, इसको 3-in-1 मिक्सर बोलते हैं, और ये 2-in-1 मिक्सर है, ये हाफ टन का है दोस्तों, और इसका साइज़ है ना ये 1.25 इंच का रहेगा, मिक्सर का साइज़ है ना ये 1.25 इंच का है, इसमें आधे इंच का आता है, इसमें पानी कम आता है, ये 1.25 का रहेगा, फुल बड़ा साइज है, पानी भी फास्ट आएगा, प्रेशर कम रहेगा। तो अभी अपने को डोनाल्ड कंपनी का है, कभी भी लेंगे तो डोनाल्ड कंपनी का मिक्सर लेना, तो हैवी कंपनी का हैवी मिलेगा, एकदम जैगवार टाइप रहेगा, खाली कंपनी नाम अलग रहेगा, बाकी सब जैगवार टाइप ही है मॉडल, ये फ्लोरल मॉडल बोलते हैं इसको। ये मिक्सर के बारे में मैं आपको समझाया दोस्तों, इसका प्राइस अपने को 3600 रुपया पड़ेगा, 3600 रुपये में मिक्सर एकदम हाई फाई मिलता है, और जैगवार का ये लेने जाएंगे मिक्सर तो 6500 के लगभग पड़ेगा अपने सेम मॉडल, और वही काम अपने को 3600 रुपये में होता है, तो फिर जैगवार का लेने का ज़रूरत नहीं, सेम कॉपी में तो मॉडल दोनों आइटम सामने रख के देखा हूँ, सेम एकदम कुछ फ़र्क नहीं है इसमें और जैगवार में। इसके लिए डोनाल्ड का मिक्सर लेना 2-in-1, सेम मॉडल मिलेगा जैगवार टाइप।
धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए, नया नया वीडियो मिलता रहेगा आपको ये चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।